जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑफ सोलर का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं FCS सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद FCS सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा होने जा रही है, क्योंकि यही समय है। पिछले साल की यदि बात करें तो यही समय यानी कि ठीक जनवरी माह में इस स्टॉक ने अपना अच्छा खासा हाई बनाया था, लेकिन अब उसके बाद से स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे गया है। इसलिए फिर जनवरी आ गया है और जनवरी में मैंने सोचा इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में संभाल कर रखे हुए हैं। हालांकि मैं बता दूं कि मेरे पास अभी वर्तमान में FCS सॉफ्टवेयर के कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था पिछले ही साल जब थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट में था। हालांकि जब जनवरी में हाई लगाया था तो उसमें तो अच्छी खासी कमाई हुई थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा स्टेक इसका संभाल कर रखा हुआ था, जो मैंने पिछले साल अगस्त सितंबर के आसपास इसको सेल कर दिया पूरा, क्योंकि मुझे लगा कि अब स्टॉक बढ़ने वाला नहीं है। हालाँकि लंबी अवधि के लिए तो स्टॉक ठीक है, लंबी अवधि में यदि जो लोग धैर्य रखे हुए हैं, धैर्य बना के चल रहे हैं इस स्टॉक के प्रति, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा इंपेशेंस आदमी हूँ, धैर्य नहीं रख पाता हूँ, मेरे को जल्दबाजी रहती है, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में अभी स्टॉक नहीं है। देखिए, FCS सॉफ्टवेयर हम जानते हैं कि IT सेक्टर में काम करने वाली एक छोटी सी तथा बेहतरीन कंपनी है, नोएडा बेस्ड कंपनी है। बेसिकली नोएडा में ही इस कंपनी का कारोबार है, और देखेंगे तो IT सर्विसेज देने के साथ साथ ये IT मैनेजमेंट और IT कंसल्टिंग का सर्विसेज भी देती है। मार्केट कैप तकरीबन 470 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप काफ़ी कम हो गया है शेयर प्राइस के कम होने की वजह से। शेयर प्राइस 2.75 रुपये के आसपास चल रहा है। अब शेयर प्राइस में गिरावट का दौर इन दिनों, जहाँ दूसरे जो पेनी स्टॉक में लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, FCS सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो ये गिरावट की तरफ ही चल रहा है। एक सप्ताह का इसका कोई रिटर्न नहीं है। पिछले एक माह में देखेंगे तो 10% निगेटिव में है, और पिछले छः माह की बात करें तो पिछले छः माह में सिर्फ 5% के आसपास निगेटिव में है, क्योंकि पिछले छः माह से देखेंगे तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, कंसोलिडेशन रेंज जब कोई स्टॉक फंस जाता है, चाहे वो बड़ा स्टॉक हो या छोटा स्टॉक, जब कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा तो उसमें तेज़ी नहीं आएगी। जब तक कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा तब तक देखेंगे तो पिछले छः माह से स्टॉक 2.70 रुपये से लेकर 3.20 रुपये इसी के बीच में घूम रहा है। बहुत बढ़ेगा तो 3.50 रुपये तक चला जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इस कंपनी का शेयर प्राइस जा ही नहीं रहा है। पिछले 10-12 सालों में देखेंगे तो पिछले 10-12 सालों में से स्टॉक के लिए जो सबसे अच्छा समय आया वो साल 2022 में आया, उसमें भी जनवरी 2022 में इस स्टॉक ने अच्छा खासा हाई बनाया था, और वो भी 7 जनवरी को बनाया था। लेकिन 7 जनवरी 2022 को अपना 9 रुपये के आसपास तकरीबन इसने हाई बनाया था, 52 का हाई इसका जो है, उसके बाद से प्राइस लगातार नीचे जाने लगा। ज़्यादातर स्टॉक देखेंगे तो लोअर सर्किट में ही आपको देखने को मिलेगा। प्राइस नीचे जाने के बाद अभी भी देखेंगे तो कंसोलिडेशन रेंज में है। कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलेगा तब भी मुझको उम्मीद है कि नीचे ही जाएगा, ऊपर उठने के चांसेस इसके थोड़े कम नजर आते हैं। क्योंकि देखिए, फंडामेंटल तो कंपनी ठीक है, फंडामेंटल में सुधार होते हुए भी दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये, क्योंकि पेनी स्टॉक होते हैं ना, पूर्ण रूप से ऑपरेटर्स के हवाले होते हैं, ये उनके हाथ में होता है कब इस कंपनी के प्राइस को उठाएंगे, कब गिराएंगे। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो जिसको ऑपरेटर्स कहते हैं शेयर मार्केट में, जो कम पैसों पर बहुत अधिक शेयर को बाई करते हैं, ताकि यदि कुछ पैसा भी बढ़े तो उनको अच्छा खासा मुनाफा हो जाए, तो यही लोग के हाथ में होता है किसी कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाना गिराना। बेसिकली पेनी स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो देखिए, यदि फंडामेंटली जब आप इस स्टॉक को देखते हैं तो फंडामेंटली देखेंगे कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी का सेल्स 9 करोड़ 13 लाख के आसपास हुआ है, जो कि क्वार्टर वन में था 8 करोड़ 29 लाख। पिछले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के सेल्स बढ़े हैं, प्रॉफिट भी बढ़ा है। प्रॉफिट देखेंगे तो 4 लाख से सीधे 53 लाख हो गया है क्वार्टर टू में इस कंपनी का प्रॉफिट, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। कंपनी आईटी सेक्टर के है तो आईटी सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है भारत में, इस बात को लेकर कोई चिंता या संशय करने की जरूरत नहीं है। रही बात, थोड़ा सा इसमें मजबूती आने दीजिए, अभी सिर्फ सेल्स और इसका प्रॉफिट बढ़ने से इसको कंपनी को मजबूत नहीं कर सकता। ऐसा यदि आने वाले कुछ क्वार्टर तक कंटिन्यू बना रहा है तब माना जाएगा कि हाँ, कंपनी वाकई में इसके फंडामेंटल में मजबूती हो रही है। कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ ज़्यादा नहीं, कम जो कर्जा है 20 करोड़ के आसपास है, वो भी देखेंगे तो कम ही हो रहा है, और रिजर्व इसके पास 175 करोड़ रुपये के आसपास है, और मार्केट कैप भी मैंने बताया कि तकरीबन 500 करोड़ के आसपास है। तो 25 करोड़ या 20 करोड़ का कर्जा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अच्छी बात यह भी है कि इसका बुक वैल्यू पॉजिटिव है, तकरीबन 2 रुपये के आसपास बुक वैल्यू, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल इंक्लूड होता है। देखिए, निगेटिव में तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कम है, 1% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्लूड है, और जो ROE है वो भी देखेंगे तो 0.18% का है आसपास है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा होता तो बेहतर होता। अच्छी इस बात यह भी है कि इस स्टॉक में प्रमोटर्स अपना स्टेक लगातार बनाए हुए, कई क्वार्टर से देखेंगे तो प्रमोटर्स ने ना तो अपनी हिस्सेदारी बेची है, हालांकि बढ़ाना चाहिए थे लेकिन बढ़ाया भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि बेची नहीं, जहां दूसरी तरफ पेनी स्टॉक देखेंगे, विकास लैब पर एक अच्छा स्टॉक है जिसमें देखेंगे तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, जबकि प्रमोटर्स को उसमें हिस्सेदारी नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन वहां तो बेच रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में प्रमोटर्स बने हुए, तो इस बात का भरोसा दिलाता है कि स्टॉक ठीक है और आने वाले समय में और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। विदेशी निवेशक पिछले कुछ दिनों में देखें तो इस स्टॉक में थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाए हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो स्टेक लिए हैं 0.03% के आसपास विदेशी निवेशक यानी कि FII अपना स्टेक FCS सॉफ्टवेयर में लिए हैं। हालांकि पब्लिक हिस्सेदारी तकरीबन 80% से थोड़ी सी ज़्यादा है इस स्टॉक में, तो ये तो ठीक है, पब्लिक हिस्सेदारी ज़्यादातर पेनी स्टॉक में पब्लिक ही होते हैं। देखिए, यदि इस कंपनी का PE रेशियो देखेंगे तो तकरीबन 3000 के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इस वैल्यूएशन पर अभी इस कंपनी के स्टॉक को बाई करने के लायक नहीं है।
विकास लाइफ केयर एक छोटा सा एक अच्छा पेनी स्टॉक है जिसका पी रेशियो सिर्फ 8 के आसपास है और उसका जो शेयर प्राइस है वैल्यूशन वाइज देखेंगे तो भी ठीक है। हालांकि शेयर प्राइस इसका भी ठीक है, थोड़ा और कम रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन पी रेशियो अभी जो है 3000 के आसपास तो कतई ठीक नहीं है और इस वैल्यूएशन पर इस स्टॉक को बाय करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। बाकी यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा क्वांटिटी इस कंपनी को बाय करके आप चल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए। और बाकी जो लोग फंसे हुए उनके उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें या तो निकल जाना चाहिए यदि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, काम के पैसे लगा दिए हैं, या यदि आप समय दे सकते हैं तो इसमें बने रहना चाहिए यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। तो FCS सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं जिसके बारे में आपको बताऊं, बाकी जो बातें थी मैंने आपको बताई। यदि आपको बातें समझ में आ गई होंगी तो बहुत अच्छा है, फिर भी अगर कुछ लगता है कि आपको समझ में नहीं है तो आप उस कमेंट में जरूर पूछिए, मैं कमेंट में बताऊँगा, आपको समझाऊँगा। यदि पर्सनली जुड़कर मुझसे बातें करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं तसल्ली से समय देकर लोगों को समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। बाकी यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या इमस्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।